भैंस की आंखें चल क्या रहा है यहाँ पर? कोई मुझे हिंदी में बताएगा? मैं बताता हूँ, इन्होंने मेरा स्पर्म इनके वहां भेज दिया और आपका स्पर्म यहाँ। दोस्तों आपका फिल्मी मीडिया चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अक्षय कुमार, करीना कपूर खान, दिलजीत दोसांझ और कियारा आडवाणी स्टारर फिल्म गुड्डूज के चौथे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। उससे पहले दोस्तों, अगर आप फिल्मी मीडिया चैनल पर पहली बार आए हो तो फिल्मी मीडिया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक भी कर दे। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि अक्षय कुमार और करीना कपूर स्टारर फिल्म गुड्डूज इस शुक्रवार यानी 27 दिसंबर से सिनेमा घरों में दिखाया जा रहा है। गुड्डूज फिल्म में अक्षय कुमार के साथ करीना कपूर खान, दिलजीत दोसांझ और कियारा आडवाणी ने काम किया है। फिल्म में अक्षय, करीना और दिलजीत कियारा पति पत्नी बने हैं। गुड्डूज के दो ट्रेलर आए और दोनों ट्रेलर को खूब पसंद किया गया। दोस्तों आपको बता दूं कि अक्षय कुमार की फिल्म गुड्डूज को सलमान खान की दबंग 3 से कड़ी टक्कर मिल रही है। हालांकि दबंग 3 अब बॉक्स ऑफिस पर धीमी पड़ रही है। अक्षय कुमार की फिल्म गुड्डूज की बजट की बात करें तो इस फिल्म की बजट 60 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। ऐसे में अक्षय कुमार की इस फिल्म को बम्पर कमाई मिलने की पूरी उम्मीद है। स्क्रीन काउंट की बात करें तो अक्षय कुमार की फिल्म गुड्डूज भारत में 3800 स्क्रीन पर रिलीज हुई है और ओवरसीज में फिल्म को 800 स्क्रीन मिली है। कुल मिलाकर फिल्म को 4600 स्क्रीन मिले हैं, जो सलमान खान की फिल्म दबंग 3 से टक्कर लेने के हिसाब से काफी अच्छा आंकड़ा है। दोस्तों आपको बता दूं कि करण जौहर के प्रोडक्शन में बनी फिल्म गुड्डूज IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन विषय पर आधारित है। IVF गर्भधारण करवाने का एक कृत्रिम सिस्टम है। आपको बताते चलें कि IVF से जन्मे बच्चे को टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है। राज मेहता के निर्देशन में बनी गुड्डूज रोमांटिक कॉमेडी मूवी है। फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो अक्षय कुमार की फिल्म गुड्डूज पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 17 करोड़ 56 लाख रुपए की कमाई कर ओपनिंग ली थी, जो कि काफी अच्छी ओपनिंग कही जा सकती है। अगर बात करें फिल्म के दूसरे दिन के कलेक्शन के बारे में तो अक्षय कुमार की फिल्म गुड्डूज दूसरे दिन 21 करोड़ 78 लाख रुपए की कमाई करने में सफल रही, जबकि गुड्डूज तीसरे दिन यानी अपने रिलीज के पहले रविवार को 25 करोड़ 65 लाख रुपए का कारोबार करने में सफल रही। वहीं अगर बात करें फिल्म के चौथे दिन के कलेक्शन के बारे में तो अभी तक जो ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक गुड्डूज चौथे दिन लगभग 13 करोड़ रुपए का कारोबार करती हुई नजर आ रही है। तो इस तरह से गुड्डूज मूवी की चार दिन की इंडिया नेट कलेक्शन 77 करोड़ 99 लाख रुपए पहुंच जाती है। वहीं अगर बात करें फिल्म के इंडिया ग्रॉस कलेक्शन की तो फिल्म की इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 91 करोड़ रुपए पहुंच गई है। अगर बात करें फिल्म के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो गुड्डूज मूवी की चार दिनों की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 119 करोड़ रुपए हो जाता है। अगर ओवरसीज कलेक्शन की बात करें तो अक्षय कुमार की फिल्म गुड्डूज की ओवरसीज कलेक्शन 28 करोड़ रुपए हो चला है। दोस्तों आपको बता दूं कि ये फिल्म क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों में रिलीज हुई है, इसलिए इसे छुट्टियों का पूरा पूरा फायदा मिलेगा। दोस्तों आपको बता दूं कि आने वाले दो हफ्तों में किसी बड़े स्टार की कोई फिल्म रिलीज नहीं हो रही है। ऐसे में गुड्डूज के पास बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कमाई करने का पूरा मौका है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों अगर आपने गुड्डूज मूवी देखी तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको गुड्डूज मूवी कैसी लगी और साथ ही साथ आपको किसकी एक्टिंग सबसे ज्यादा अच्छी लगी। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो फिल्मी मीडिया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।